गोलेरिया थाने की पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब 25,000 इनामी बदमाश सुधीर को उसने मुखबिर की सूचना पर मौरीपुर से सिरोही जाने वाली सड़क पर पुल के पास गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अभियुक्त पर पहले से ही कई मुकदमे पंजीकृत हैं। मामले का खुलासा करते हुए SP नॉर्थ रोहित सिंह सहवान ने कहा, पांच में से दो पहले पकड़े गुलरिया में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत एक 25,000 रुपए का इनामी वांछित था, इसका नाम सुधीर है, उसको थाना गुलरिया के द्वारा गिरफ्तार किया गया और उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इसके ऊपर दो पुराने लूट के मुकदमे और एक मारपीट का और एक लड़की के साथ बलात्कार करने का मामला दर्ज था, जिसके बाद पुलिस के द्वारा इसके ऊपर गैंगस्टर की धाराओं के अंतर्गत इसके और इसके जो अन्य साथी हैं उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसके दो अन्य साथी हैं उनके ऊपर भी नाम घोषित हुआ है और वो अभी फरार हैं, उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। पूरा संगठित गिरोह है इन लोगों का? हाँ, ये तीन जो गैंगस्टर एक्ट की धारा है उसमें ये तीन लोग हैं, उनका संगठन के ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी, जिसमें एक व्यक्ति को आज पकड़ा गया है जिसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम है। अन्य दो साथी हैं उनके ऊपर भी 25,000 रुपये का इनाम है और उनको भी जल्दी पकड़ा जाएगा। उनका नाम बता देता हूँ, 25,000। हाँ, उनके ऊपर एक दो अन्य जो साथी हैं इसका, दूसरा है रुदल उर्फ रूप नारायण पुत्र राम ललित मिश्रा निवासी औरैया, ये है महाराजगंज का है। तीसरा है रामचरण निषाद पुत्र रामाश्रय निवासी चक्रा।